गए हैं हॉट स्प्रिंग का बाथ लेने। ये सामने देखिए हॉट स्प्रिंग है और इसकी चार्जेस है 150 रुपये, बिल्कुल रोड पे है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं जोमसम में और कल हमने दर्शन किए थे मुक्तिनाथ मंदिर के और दुमका लेक कागबैनी विलेज को एक्सप्लोर किया था। तो वी आर रेडी टू राइड। ये देखिए हमारी बाइक रेडी है, अमर भाई की और राहुल भाई की बाइक सब रेडी है और हमने ब्रेकफास्ट यहाँ कर लिए हैं। और एक बात बताऊँ, ब्रेकफास्ट यहाँ का खाना बहुत ही कॉस्टली है। जैसे अगर लंच डिनर करेंगे तो 350 की थाली वेज मिनिमम नेपाली और 500 रुपये की नॉन वेज थाली, और ब्रेकफास्ट भी 250-300 रुपये कम देते ही नहीं है, चाहे वो 2 ब्रेड दें, 3 ब्रेड दें, चाय दें। तो ये कलकत्ता से राइडर आए हुए हैं, ये बताएंगे अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। बोलिए। हम कलकत्ता से आए हैं 12 दिन के लिए, मुस्तांग काठमांडू पोखरा। योर नेम? मेरा नाम है सोमन मित्र। हम 100 माइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा भाई भी आया है, वी आर वन। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेम? माय नेम इज अभिजीत रॉय, कोलकाता से हूँ। 2018 तारीख को निकले हैं मुस्तांग के लिए। अभी हो गया कितना तारीख? अभी तक का टूर कैसा रहा? अभी तक का टूर तो अच्छा ही है, लेकिन कल को कल का जो राइड था बहुत खतरनाक था। एक्सट्रीम लेवल का था। बारिश जो रास्ता था, जो पूरा 9 बजे से राइड स्टार्ट किया तो बारिश, पूरा मुस्तांग तक आया पूरा बारिश, कीचड़ में पूरा गाड़ी, यहाँ देख सकते हो पूरा एकदम। मेरा क्लब का नाम है जाटॉन व्हील्स। वी आर वन है और मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑल इंडिया राइडर्स कम्युनिटी। और ये भी है बंगाल पैशनेट राइडर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपसे मिलकर बहुत बहुत खुश हुई। आपसे भी मिलकर, नाइस टू मीट यू। तो अब हम जा रहे हैं वापसी एकदम दिल्ली को। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो अमर भाई, आज का प्लान बताओ। आज हम यहाँ से भी निकलने वाले हैं और आगे एक जगह तातो पानी है, जहाँ पे गर्म पानी का स्रोत है, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर उसमें स्नान करें तो आपके जोड़ों के दर्द और परेशानियाँ दूर होता है। तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और उसके बाद एक नया रास्ता है जिसको लेकर हम लोग बुटवल जाने वाले हैं। सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। वेरी एक्साइटेड। और राहुल भाई, अभी तक का जर्नी डिस्क्राइब करो एक वर्ड में, एक दो वर्ड में। I'll fly like a god. Avengers. Awesome. I can prove that Avenger can fly at any altitude, anywhere. And compete with Dominar at any given point. ये तो सच है, भाई ने है अपनी Avenger ऐसे बगार की है जो Dominar को फेल कर दिया है, बिल्कुल पीछे पीछे लगा रखी है। Feel good factor, sir. Feel good factor. चलो लेट हो रहे हैं, चलते हैं, अब निकलते हैं। तो हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बुतवल और भाई लोग जा रहे हैं पोखरा। तो सबसे पहले हम जाएंगे तातो पानी। समय हुआ है पूरे 9 बज गए हैं, 8:30 की सोची थी लेकिन निकलते निकलते लेट हो ही जाता है। तो अभी हम 3 राइडर हैं, राहुल भाई, अमर भाई और मैं, हम तीनों जा रहे हैं। रोड कंडीशन कैसी मिलेगी ये देखते हैं, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसकी वजह से काफ़ी कीचड़ मिलने की पूरे चांसेस है और वाटर क्रॉसिंग भी ज़्यादा होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा पानी मिलने का चांस है, देखते हैं अभी। तो मुस्तांग की जो राइड थी हमारी बहुत ही सक्सेसफुल रही है अभी तक, बहुत ही मज़ा आया मुस्तांग आके, लोअर मुस्तांग आके, और बहुत ही कमाल की ब्यूटी है यार, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है और लद्दाख और स्पीति का फील आता है यहाँ पे आके। तो एक बार आप ज़रूर आएँ, क्योंकि अब रोड कंडीशन काफ़ी बेटर होती जा रही है यार, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड पे। तो पहले 2-3 साल पहले जो लोग आते थे तो बहुत बुरा हाल होता था, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी ब्रिजेस बन गए हैं और रोड भी मेटल रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो काफ़ी कुछ अच्छा है यार। और हमारे बिल्कुल सामने ही था एयरपोर्ट और रनवे था, वहाँ से अभी 6 बजे फ्लाइट शुरू हो जाती है, 6:15-6 बजे फ़्लाइटें आने लग जाती हैं, धड़ाधड़। अब मैं वीडियो में डाल के दिखाऊंगा आपको। तो हम मारफा पहुँच गए हैं, यह है मारफा विलेज और यहाँ पे आई थिंक सेब की
खेती के लिए काफ़ी फेमस है ये मारफा। यहाँ पे काफ़ी सेब की पैदावार होती है। और हमारा जो अभी प्रोग्राम है, हम जा रहे हैं तातोपानी में बाथ लेने, और ये रोड का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है और लग रहा है एक दो साल में ये भी रोड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये रूट काफ़ी मतलब कि सुधर जाएगा और इजी हो जाएगा, अभी तो काफ़ी टफ है। आगे जाके तो हमें बहुत कीचड़ मिलने वाला है। स्टार्टिंग में हम जैसे ही एंटर कर रहा था इस मेन रोड को छोड़ के, उसके बाद जो कीचड़ मिला है बुरी हालत थी। तो ये व्यू देख लो यार, कितना प्यारा व्यू है सामने, बहुत ही बढ़िया है यार, हिमालय के पहाड़। अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर कितना बढ़िया वाटरफॉल है, और ये बर्फ वाली माउंटेन कितनी ऊपर है, धौलागिरी की रेंज है ये। और ये आयरन ब्रिज, ये तो लद्दाख में भी बहुत सारे आयरन ब्रिज हैं, अब बनने लगे हैं दूसरे। पुराने टाइम में तो यही आयरन ब्रिज चलते थे, ब्रिटिश रूल के टाइम सब आयरन ब्रिज बने हुए हैं उस समय के। और ये काफ़ी लश ग्रीन एरिया है, और बीच बीच में ऐसे मेटालिक रोड आ रही है बढ़िया। वाह वाह, ब्यूटी ब्यूटी भाई, गजब का टूर है यार हमारा ये वाला, लोअर मस्टांग का मज़ा आ गया अभी तक का टूर। ये पूरे हिमाचल जैसे पहाड़ लग रहे हैं, यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है और उपजाऊ मिट्टी होगी इन पहाड़ों की, जिस वजह से काफ़ी पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे सारे, बहुत ही बढ़िया। अभी तक तो राइड बहुत बढ़िया चल रही है, बस तातापानी पहुँचे हैं, फिर वहाँ पे जाके बाथ लेंगे, और बहुत ही मिनरल्स वाला बाथ होता है वो, ज़मीन के अंदर से गर्म हॉट स्प्रिंग निकलता है। तो बात लेके फिर आगे बढ़ेंगे, हाफ एन आवर का हमारे को वहाँ स्टे लेना पड़ेगा, ब्रेक लेंगे हाफ एन आवर, फिर आगे बढ़ चलेंगे अपने न्यू डेस्टिनेशन पे। ट्राई करेंगे आज मैं बुतवल पहुँच जाऊँ, और उसके बाद नेक्स्ट डे दिल्ली को, 700-800 रह जाएगा वो दिल्ली कर सकता हूँ एक दिन में, ड्यू टू ये दो जो टोल एक्सप्रेस वे हैं उनकी वजह से मैं पहुँच सकता हूँ आराम से। यहाँ पर रुके थे हम लोग उस रात में इधर। यार वहाँ लेट हो जाएंगे हम फिर, तो आप तातोपानी पहुँचेंगे चाय पी के पहुँचे, या तो ठीक है हिमालयन टी बहुत बढ़िया मिलती है यहाँ पे बनाते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी मेरे हिसाब से, ये इंडिया कुछ जड़ी बूटी से बनाते हैं यहाँ पे होती है। अच्छा चल फटाफट पीते हैं फिर निकलेंगे फिर, 15-20 मिनट में। हाँ 15 मिनट चलो। एंजल गेस्ट हाउस लेटे, तो अमर भाई और राहुल भाई परसों यहाँ रुके थे जब बारिश आ गई थी। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है इस ऑर्गेनिक टी के लिए जो लेटे में मिलती है सर, क्या खासियत है इसकी? मैंने बता दिया है ना, बता दीजिए आप एक बार बताइए, क्या है खास इस चाय में, मतलब कहाँ से आता है इसका? अब ये हमारा ये टी का जो प्रोडक्ट यहाँ ये धौलागिरी पास के थोड़ा नीचे से आते हैं, वो तकरीबन ये 4,000 से 4,500 मीटर तक का रेंज में मिलता है, और वहाँ से ये अभी ये अच्छा पैदा होता है, वहाँ से ये तोड़ के लेके आके यहाँ पे सुखाते और इसको पैकेजिंग करके रिफाइन करके और सबको खुलाते पिलाते और सेल्स भी करते हैं इसको। और इसका खासियत है ये टी पीने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसमें थोड़ा एक बहुत काम भी करेगा, और शुगर के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
भाजी थैंक यू भाई, थैंक यू जी। और लिट्टे की खासियत है यहाँ पे चाय भी फेमस है और यहाँ पे जो हिमालय की रेंज काफ़ी कुछ नज़र आती है। यहाँ पे सामने अन्नपूर्णा वन रेंज नज़र आती है, इधर नीलगिरी के पहाड़े हैं सामने, इधर कौन सा बताया था तुकचे पीक, ये बादलों से घिरा हुआ तुकचे पीक, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे धौलागिरी की पीक्स है ना, चारों पीक्स नज़र आती है यहाँ पे। मैं चार पीक नज़र आती है यहाँ पे लिट्टे में, बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, लश ग्रीन है चारों तरफ पहाड़, तो मज़ा आ गया यार। अभी बस चाय पी के निकलते हैं यहाँ से तातो पानी। ओके बाय। कई बार समय से बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है। अमर भाई और राहुल भाई यहाँ रुक गए थे और इनसे जानकारी होगी तो काफ़ी अच्छा है यार, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत है ये, देखो पहाड़ पीछे गजब है यार लिट्टे। अगर आपके पास समय है तो एक दिन यहाँ पे ज़रूर स्टे करें यार, अगर कुदरत का मज़ा लेना है, नज़ारे लेने हैं तो लिट्टे ज़रूर रुके, उसके बाद सीधा जाके आप दर्शन करके आराम से वापस आ सकते हैं। आपके पास बहुत समय होगा, 9 बजे जाके आप मुक्तिनाथ दर्शन करो और आसपास घूमो और शाम को वापस यहीं पे आ जाओ। अगर ज़्यादा समय है तो आप जौनसम में भी रुक सकते हो एक दिन, वो आप पे डिपेंड है। मज़ा आ रहा है यार बहुत गजब, देखो व्यू देखो यार कितने शानदार व्यू है, ये देखो नज़ारे वाओ। एक रूप से जो वाटरफॉल है उससे पहले ये पैच आता है, जाते समय आपको आगे मिलेगा, अभी ये रुपसे से पहले है हम जा रहे हैं, तो बहुत ही पथरीला रास्ता है ये, बस 2-4 किलोमीटर का पैच है, ये देखो चट्टाने काट काट के बनाया हुआ रास्ता, बस इसमें ये थोड़ा ख़राब रास्ता है और गिरने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसमें, पत्थर निकले हुए पड़े हैं सड़क के बीच में, बड़े बड़े पत्थर। ये मेरा फॉल हुआ था यहीं पे हुआ था, इसी के आसपास ही, ये देखो पत्थर देखो कैसे कैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पथरीला रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, कम से कम 5-6 किलोमीटर का तो होगा कम से कम, बहुत ही पत्थर पत्थर ही पत्थर हैं बड़े बड़े। ये वाटरफॉल देखो सामने, ब्यूटीफुल वाटरफॉल, और इसके साथ में भी एक और वाटरफॉल होगा रूपसे वाटरफॉल। तो गाइस अभी तक आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो ऊपर लिंक आ रहे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं वो सारे वीडियोस पिक्स, बहुत ही शानदार ब्लॉग्स हैं, लोअर मस्टांग मुक्तिनाथ टेंपल के दर्शन सब कुछ आपको मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और ऊपर आपको कॉर्नर पे लिंक मिल जाएगा। तो ये सामने आ गया है रूपसे वाटरफॉल जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है, वहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, एक बार फिर देख लीजिए रूपसे वाटरफॉल बहुत ही शानदार, देखो कितना कीचड़ हो गया है, कल तो नहीं था ये, परसों मैं यहाँ 1 घंटा बैठा रहा वाटरफॉल पे भाइयों का वेट करते करते, बहुत कीचड़ हो गया है। हम तातो पानी पहुँच गए हैं तो यहाँ पे देखते हैं कोई कुंड मिल जाए, हॉट वाटर स्प्रिंग, वहाँ पे थोड़ा 10-15 मिनट बात करके फिर निकलते हैं। काफ़ी मान्यता है इस कुंड की, काफ़ी मिनरल्स वाला पानी होता है ज़मीन के अंदर से जो आ रहा है। अमर भाई तो ये आ गए, अच्छा ये कुंड रहा सामने, ये कुंड है मेरे सामने, यहाँ पे जाते हैं अभी नहाते हैं। तो गाइस मेरे पीछे है हॉट स्प्रिंग कुंड, यहाँ पे मैंने अभी स्नान किया है, 150 रुपीज़ चार्जेस है, और मेरे पीछे है लेडीज़ के लिए अलग कुंड और जेंट्स का अलग कुंड, और काफ़ी गर्म पानी है और काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है, और ये बिल्कुल बाइक हमारे सामने खड़ी है,
तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सामने बाइक खड़ी करो आप आ जाओ। और कपड़ा चेंजिंग रूम भी सामने है, ये देखिए उधर सामने मैंने कपड़े रखे हुए हैं, और यहाँ भी रख सकते हो आप पीछे भी। तो काफ़ी रिलैक्स हो गया हूँ, और काफ़ी मान्यता है इस कुंड की, चाहे पवित्र हो जाता है, और काफ़ी मतलब कि जॉइंट जूंट्स पेन के लिए भी कहा जाता है। लगभग 12:15 बज चुके हैं, और अब हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन बुतवल के लिए राइड स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार है अभी तक की राइड, चलते हैं। बेनी, ये रोड से पता चल रहा होगा सिटी बहुत ही अच्छी सिटी है बेनी, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है। जॉमसम में भी पेट्रोल पंप नहीं है, आगे आपको कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट पेट्रोल मिलेगा आपको, हर दुकानों पे मिलता है। 175 की जगह आपको 200 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप होगा, मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। तो बेनी में एक पेट्रोल पंप मिला है, और 182 रेट है यहाँ पे, 200 रुपये में तो हमने डलवाया ही था। बा, 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 बा। नहीं, गिर जाएगा, कहाँ जाएगा, उसमें डाल देना दूसरे में।